नमस्कार, nishamudhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम पकोड़े बनाएंगे। पकोड़े बहुत जल्द बन जाते हैं सुबह के नाश्ते में, या शाम को हल्की फुल्की भूख में, या बारिश हो रही हो, कभी भी पकोड़े बनाकर खाए जा सकते हैं। और ये पकोड़े बहुत सारी चीज़ों से बनाए जाते हैं। आज हम बैंगन के पकोड़े बनाएंगे, तो आइए देखें बैंगन के पकौड़े बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। ये हमने दो बैंगन ले लिए हैं और एक कप बेसन लिया है। पकौड़ों के लिए मोटा बेसन लिया जाए तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है। दो टेबलस्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ, दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई और एक इंच अदरक का टुकड़ा जो हमने पेस्ट बना लिया है, आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार नमक ले लेंगे, एक चौथाई छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, तेल पकौड़े तलने के लिए। तो पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन का घोल बना करके तैयार करेंगे। बेसन में थोड़ा सा पानी डालते हैं और बेसन को गुठलियाँ ख़त्म होने तक घोल लेंगे। थोड़ा पानी और डालेंगे, पानी थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। एक तो गुठलियाँ अगर ज़्यादा इकट्ठा पानी डाल दें एक साथ तो गुठलियाँ बहुत देर से ख़त्म होंगी। दूसरा यह है कि घोल पतला भी हो सकता है, तो बेसन का घोल बनाने के लिए पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे। और अब हम इसकी सारी गुठलियाँ ख़त्म कर लेंगे इसी तरीके से फेंटते हुए। बेसन की गुठलियाँ ख़त्म हो गई हैं और बेसन में हम थोड़ा पानी और डालेंगे अभी, और इसे हम 3-4 मिनट तक ऐसे ही फेंटेंगे। बेसन अगर अच्छे तरीके से फेंट लिया जाए तो पकौड़े बहुत फ्लफी भी बनते हैं और कुरकुरे भी बनते हैं। तो अभी हम बेसन को अच्छे तरीके से फेंटते हैं और इधर हम गैस भी ऑन कर देते हैं तो हमारा तेल भी गर्म हो जाएगा। ये बेसन हमने अच्छे तरीके से फेंट कर तैयार कर लिया और इसकी इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एकदम से ऐसा नहीं कि धार के रूप में आ जाए और एकदम गाढ़ा भी ना हो। और एक कप बेसन का घोल बनाने में हमें आधा कप पानी लगा है। और अब हम इस बेसन के घोल में मसाले डालेंगे। तो ये लाल मिर्च डालेंगे, नमक डाल देंगे, धनिया पाउडर, अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च और ये हरा धनिया। और अब सारे मसालों को मिलाते हुए हम सारी चीज़ों के मिक्स होने तक बेसन को फेंट लेंगे। ये पकौड़ों के लिए बैटर हमने बना के तैयार कर लिया और अब हम बैंगन काट लेते हैं। जस्ट इसका डंठल काट करके हटा देंगे और बैंगन को हम आधे आधे सेंटीमीटर मोटे गोल गोल टुकड़ों में काट लेंगे। बैंगन हमने पहले से ही धो करके सुखा लिए हैं। और बैंगन को बैटर में डिप कर देंगे और बाद में हम दूसरा बैंगन काट लेंगे। बैंगन को एक साथ काट के नहीं रखेंगे क्योंकि बैंगन काले हो जाते हैं और अगर अभी काटेंगे तो फिर उन्हें पानी में डिप करके रखेंगे। तो ये बैंगन हमने बैटर में डिप कर लिए हैं और हमारा तेल भी गर्म हो गया है। अब हम पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। एक एक टुकड़ा इस तरीके से कि बेसन उसके चारों ओर अच्छे तरीके से कोट हो जाए उठाएंगे और तेल में डालेंगे। तो जितने पकौड़े कढ़ाई में एक बार में आ जाए उतने बैंगन हम कढ़ाई में डाल देंगे और इनको पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। ये पकौड़े गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और अब हम इन्हें निकालेंगे। और ये दूसरा बैंगन भी अब काट लेते हैं और तेल में डालेंगे। ये पकौड़े भी गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। बैंगन के गर्मा गर्म कुरकुरे पकौड़े तैयार हैं। बहुत ही अच्छे पकौड़े बने हैं। आप बैंगन के पकौड़े बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamudhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं nishamudhulika.com पर।